तूफान पर और विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रही है, इसी को लेकर के कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में मैं मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करती हूं और अपने अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी का धन्यवाद देती हूं। आज साथियों हम सब बहुत ही दुखी मन से, और मैं मानती हूं कि जितना कष्ट मेरे मन में है उतना ही कष्ट हाथरस की घटना को लेकर के, वो संवेदनशीलता वो दुख मैंने अपने मीडिया के साथियों में देखा, आपकी खबरों में देखा, और मैंने ही नहीं पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मीडिया का, जिसने हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों ने दिन रात एक किया, सच बाहर आए इसके लिए आपका अथक प्रयास रहा और आपका अथक प्रयास जारी है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। इस घटना के बारे में हम सब, जो आपने दिखाया हमने वो भी देखा, और जो हमें जानकारी रही वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। और जिस तरह महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है, यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। हाथरस की बेटी जो न्याय की आस में दम तोड़ दी, जब इलाज की व्यवस्था करानी थी, जब वो तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, उसकी मां, उसके पिता और उसके भाई लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे, तो सरकार तो न्याय दे नहीं पाई, इलाज करा नहीं पाई, लेकिन जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरे, संघर्ष किए, सरकार ने उनका दमन करना शुरू कर दिया। आज सरकार बार बार कह रही है कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या आप बताएंगे कि 20 दिनों बाद आपके प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी 20 दिन बाद यह समझ पाए कि देश का एक एक नागरिक, देश की एक एक महिला, देश की एक एक बेटी उस हाथरस की बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर संघर्षरत है।